मजेदार है। क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों के मार्केट में पैसे लगे हुए हैं जो अभी तक आए नहीं है? तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो मार्केट में हमारे पैसे लगे हुए हैं उसको हम मार्केट से निकाले कैसे। ओके, उसी के ऊपर आगे भी हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं करने वाला हूँ एलडीपी के लिए, क्योंकि एलडीपी में जितने भी पार्टिसिपेट थे उनको हमने 2 महीने का टाइम दिया था, बहुत सारी चीजें हमने उनको सिखाई हुई थी। तो आज मैं चेक करने वाला हूँ कि कितनी चीजें उसमें से याद है। तो एक बार दोबारा हाथ खड़ा कर दीजिए जिससे मुझे पता चले कि कितने एलडीपी के पार्टिसिपेट थे जिनको मैं सवाल कर सकूं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एलडीपी हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 5 दिन का ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था लीडरशिप मैनेजमेंट। सेकंड टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था टीम मैनेजमेंट। थर्ड के अंदर हमने डिस्कशन किया था बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि एक बिजनेस में ये 3 पिलर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला आ जाता है लीडरशिप में ऑनर, उसके बाद दूसरा आ जाता है टीम और तीसरा आ जाता है बिजनेस। ये 3 चीजें अगर डेवलप हो जाती है तो ऑलमोस्ट बिजनेस 360 डिग्री ग्रो होने वाला है। अब इसमें जो हमने टॉपिक के ऊपर बात की थी वो मैं जानना चाहूंगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा था? लीडरशिप मैनेजमेंट। तो लीडरशिप मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या सीखा था? सेल्फ मैनेजमेंट सीखा था, फिर टीम को डेवलप कैसे करना है, वो तो टीम वाले में था, पहले वाले में लर्निंग आपने सीखा था कि सीखना क्यों जरूरी है और अपने रूटीन के अंदर लर्निंग को लाना क्यों जरूरी है। बहुत बढ़िया। और रीडिंग, बुक रीडिंग करना, मतलब रोज अपने आप को अपग्रेड करना क्यों जरूरी है, वो हमने जाना। और एलडीपी वाले बोले और क्या था, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक अपना ये था कि इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी अ लीडर। बहुत सारे बिजनेस में आज अपने बिजनेस के अंदर बन गए हैं बॉस। क्या बन गए हैं? बद्दू थाऊ जो ये मारा हिसाब थी। जबकि एक बिजनेस ग्रो होता है एक लीडर से, तो हमें अपनी मेंटालिटी जो बॉस वाली है कि मुझे पूछने वाला कोई है नहीं, वहां पर हमें बनना पड़ेगा लीडर और हमें किसी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, मेंटर बनाना पड़ेगा। ये बात हमने की थी। और कोई बंदा हमारे पास पूरे दिन में ऐसा होना चाहिए जो शाम को जाने के टाइम पर हमें क्वेश्चन करे, हमें सवाल पूछे कि आज पूरे दिन में आपने किया क्या। क्लियर? तो उसके लिए हमें अकाउंटेबल होना है। दूसरी बात हमने की थी इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग, जहां पर 3 चीजों के ऊपर हमने बात की थी। सीखना भी जरूरी है, अनलर्न करना भी जरूरी है और रीलर्न करना भी जरूरी है। मतलब जब हमने अपना धंधा स्टार्ट किया था तब हमने जो नॉलेज लेकर अपने बिजनेस में आए थे उस टाइम पर जो नॉलेज बिजनेस का था वो उस टाइम के लिए ओके था। अभी क्या जमाना बदल गया तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन नॉलेज अपना कौन सा वाला है? और वो पुराने नॉलेज से हम नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो क्या होगा? दिक्कत आएगी, चैलेंजेस आएगी। तो हमें पुरानी चीजों को भूलना है और नई चीजों को सीखना है, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने वहां पर डिस्कशन किया था माइंडसेट के ऊपर। फिक्स माइंडसेट लोगों का हो गया है और अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह 3 जोन है। तो सबसे पहला जोन कौन सा है जहां पर 95% लोग होते हैं? कंफर्ट जोन। मतलब MBA क्या बोल रहे हैं बापू, मैंने तो बदलाव आने चाहिए, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना किसको है? मार्केट को बदलना किसको है? कस्टमर को बदलना किसको है? टीम को बदलना किसको है? पार्टनर को। हूं तो जेवो हो तो एवो छु अने एवो ज रहीश, क्योंकि उन्होंने कसम खाई आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे बदल सके, तो वो नहीं चलेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा।
दूसरा जोन जो है वो सबसे बड़ा जोन है जो उसके बाद आता है, वो कौन सा है? पेन जोन। क्योंकि कहा जाता है यू मोर पेन यू मोर गेन, जितना ज्यादा हम पेन सहन करेंगे उतना ही ज्यादा हमें मिलने वाला है। क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी उसको वो उतना ही देता है। सही है ना? क्योंकि आज अगर मैं शर्ट पहन रहा हूं और मेरे शर्ट का नंबर जो है वो 42 नंबर है, और मैं अगर 44 नंबर का शर्ट पहन लू तो नहीं आएगा, लूज हो। तो उसी तरीके से ये चीज है, पेन अगर हम लेंगे नहीं अपनी जिंदगी में तो उसके बाद वाला जोन मिलेगा नहीं, जिसको कहते हैं सक्सेस जोन। जहां पर कितने लोग हैं? 5% लोग हैं। और हम सब लोग आज यहां पर इसलिए आए हैं कि हम उधर जाना चाहते हैं, लेकिन पेन सहने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अगर कोरोना से बचना है तो कोरोना की क्या लेनी पड़ेगी? वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो वो लेने के लिए कितने तैयार हैं? दर्द होगा लेकिन ले लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने बात की थी 6 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो कौन सी चीजें हमने वहां पर सीखी थी? एक बिजनेस के 6 चीजें होती है, 6 पिलर होते हैं जहां पर पूरा बिजनेस खड़ा, जिसमें हमने नॉलेज के ऊपर बात की। तो पहला नॉलेज कौन सा था? सेल्फ नॉलेज। दूसरा नॉलेज कौन सा था? बिजनेस प्रोडक्ट नॉलेज। तीसरा कौन सा था? इंडस्ट्री कस्टमर नॉलेज। चौथा इंडस्ट्री नॉलेज। पांचवा कॉम्पिटिटर नॉलेज। छठा अरे जिसके कारण अपना रेवेन्यू आता है उसको ही बोल दे कस्टमर। कौन? कस्टमर नॉलेज। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर मतलब कौन? जो कष्ट करके मरता है ना वो कस्टमर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कस्टमर है ना अपने को कष्ट देता है। उसके बाद आगे हमने डिस्कशन की थी एक लीडरशिप के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके कारण एक लीडर महान बनता है। तो वहां पर हमने क्या क्या बातें सीखी थी? सेल्फ मैनेजमेंट हमने देखा था कि सेल्फ मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से होती है? रोज सुबह कोई उठाए उससे पहले उठ जाना, अर्ली मॉर्निंग। कितने लोगों की आदत है अर्ली मॉर्निंग उठने की, और उठने के बाद फिर से सो जाने की? बहुत ठंड है, थोड़ा आराम कर ले। उठने के बाद एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, वॉक करना, जो भी आप लोगों को सही लगे। फिर एक घंटा अपने आप को देना, 20-20-20 हमने बात किया था। 20 मिनट हमें पढ़ाई करनी है, 20 मिनट हमें कुछ सुनना है, और 20 मिनट हमें जो सीखा है वो लिखना है। फिर अर्ली हमें अपने ऑफिस पर पहुंचकर अपने सबसे पहले काम कहां से स्टार्ट करना है? टू डू लिस्ट बनाकर। कितने लोगों ने बनाना स्टार्ट किया और कितने लोगों का काम हो रहा है टू डू लिस्ट के हिसाब से? बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर, और क्या करना होता है? पर्सनालिटी के ऊपर हमने बात की, बहुत सारे लोगों को यहां पर मैंने खड़ा कर दिया, बराबर। क्योंकि एक बिजनेस में हम जा रहे हैं, आज मुझे बताओ एक डॉक्टर का ड्रेस कोड होता है? होता है कि नहीं? एक पुलिस वाले का, एक एडवोकेट का, लेकिन एक बिजनेसमैन का जो मन चाहे हो। आज टी शर्ट पहन लिया, कल ब्लेजर पहन लिया, परसों चप्पल में चले गए, कुछ भी। तो वो नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेस कोड आपके बिजनेस में आपका होना चाहिए, जहां पर आपसे जुड़े हुए लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये मेरे लीडर है और मुझे उनको फॉलो करना है। तो ये हमने बातें की, रेडी। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक जो हमने लिया था वो था टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट के अंदर हमारी क्या बातें हुई थी? टीम हमारे लिए क्या है? एसेट्स है कि लायबिलिटी है? वो तो अभी हम मानते हैं, पहले क्या मानते थे? टीम अपना बड़ा सोच है, जवाबदारी। केयर महीनों पूरा था एटलीस्ट वो आपको पड़ा है, अगर वो पड़ा अन एज कार्ड को अपना अप्रोच होता है। लेकिन जब हम अपनी टीम को एसेट मानेंगे तो होगा ये, आप अपने रूटीन से फ्री हो जाओगे और आपकी टीम
तीन जिम्मेदारी लेके अपने रूटीन के काम की, तो वह आपके लिए बन जाएगी एसेट्स। सेकंड हमने डिस्कशन की थी हाउ टू रिक्रूट एंड रिटेन पीपल, लोगों को हायर कैसे करना, चैंपियन के साथ चैंपियन लोग इकट्ठा होते हैं, तो अच्छे लोगों को लेकर कैसे आना और अच्छे लोगों को लाने के बाद उनको टिकाना कैसे, क्योंकि बहुत लोगों को चैलेंजेस आती है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और बिजनेस वही का वही रह जाता है। क्यों? सीखकर जा रहे और अपने कॉम्पिटिटर बन रहे, तो वो कैसे बंद करें उसके ऊपर हमने बात की थी।